हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। के का वैल्यू फाइंड करना है, के का क्या वैल्यू होना चाहिए कि ये नो सॉल्यूशन हो जाए। तो 3x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो और 2k माइनस वन एक्स प्लस के माइनस वन वाई माइनस, इसको भी उठा के हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड। तो 2k प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये हो गया इक्वेशन वन, इक्वेशन टू। ठीक है, हर बार की तरह इस बार भी ए वन बाई ए टू थ्री बाई टू के माइनस वन आ गया, बी वन बाई बी टू इक्वल टू वन अपॉन के माइनस वन और सी वन बाई सी टू का वैल्यू आ गया माइनस वन बाई माइनस टू के प्लस वन। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये आ गया फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होता है, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। भैया ये दोनों बराबर रहेगा, ये दोनों बराबर नहीं होगा। तो ए वन बाई ए टू आ गया थ्री बाई टू के माइनस वन इक्वल टू वन बाई के माइनस वन नॉट इक्वल टू वन बाई टू के प्लस वन। ठीक है, तो एक बार हम इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं। थ्री बाई टू के माइनस वन इक्वल टू वन बाई के माइनस वन एंड वन बाई के माइनस वन नॉट इक्वल टू वन बाई टू के प्लस वन। तो हमें के का वैल्यू फाइंड करना, तो हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और वहां से जो के का वैल्यू आएगा उसको चेक कर लेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो गया थ्री के माइनस थ्री इक्वल टू टू के माइनस वन, 2k इधर आके माइनस हो जाएगा, 3k माइनस 2k ये बन गया k और माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा, तो प्लस 3 माइनस 1 ये आ गया 2, k का वैल्यू आ गया 2। तो अब चेक करते हैं कि क्या k के वैल्यू को 2 पुट करने पे ये दोनों बराबर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर k का वैल्यू 2 पुट किया और ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो मतलब k का वैल्यू फाइनल 2 हो जाएगा। तो वेन k इक्वल टू 2, तो 1 बाई k माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू वन बाई वन इक्वल टू वन आ गया, और ये चीज़ क्या हो रहा है, वन बाई टू के प्लस वन का क्या हो जाएगा, वन बाई टू के प्लेस पे टू पुट करेंगे तो टू टू जा फोर प्लस वन ये बन गया वन बाई फाइव। तो ये दोनों आपस में बराबर, अगर के वैल्यू को हम टू पुट कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। हैंस वैन के इक्वल टू टू देन वन बाई के माइनस वन इज नॉट इक्वल टू वन बाई टू के प्लस वन विच इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन, हैंस के इक्वल टू टू। ठीक है, बस ये फाइंड करना था के का वैल्यू कि क्या हो कि नो सॉल्यूशन हो जाए, तो के का वैल्यू आ गया टू। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।